आप देख सकते हैं अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये है हार रोड की वही जो पहले भी आप मेरे वीडियो पे देखते हैं कि हार रोड की आलू वाली टिक्की जो के अंडा और मैदा बीज में मिक्स करके उसमें डिप करके वो टिक्की को जो था कि तलने की तलते हैं। जब तलने के बाद वो ये देखा आपने एक साथ देखी है कि 6 टिक्कियाँ उन्होंने तली हैं और आप अंदाज़ा करेंगे कि अभी वो अभी स्टार्ट है। हार रोड में कोई नहीं है अभी, अभी हार रोड बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। आप हर तरफ देख सकते हैं कि हार रोड पे इस वक्त सुबह के सुबह सुबह है, अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन ये है कि इन्होंने अपना काम का आगाज़ कर दिया और साथों साथ कर भी रहे हैं और ये इन्होंने टिक्की तल रहे हैं। टिक्की का अपने मज़ा है, जब ये लोग घर से 9 बजे के बाद आते हैं और कई लोगों ने नाश्ता नहीं किया होता, कुछ लोग नाश्ता करने के बाद जब आते हैं तो कुछ लोग सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं अर्ली, तो उसमें ये होता है कि नाश्ते वाले को नाश्ता मिल जाता है। ये भाई साहब जी, सर जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। तो इतने अर्ली क्यों लगाना शुरू? आप तो 8:30 हुए हैं, मैं इसी वक्त शुरू कर देता हूँ क्योंकि जो आते जाते लोग होते हैं ना, कई ये मेरे से एक ले जाते हैं कि दो ले जाते हैं, टेस्ट करते हैं खाने के अपने नाश्ते के बाद, नाश्ता भी कोई कर लेते हैं भी चलो यार नाश्ता कर लें, तो वैसे टेस्ट कर लेते हैं, तो इसलिए जल्दी लगानी पड़ती है। 8:30 बजे शुरू कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये कितना टाइम लगता है आपको इसको बनाने में? बनाने में तो ये अपना पकाने में कि खाली सारा बनाने में? सारा, जब रात को बनाते होंगे 4 से 5 घंटे लगते हैं। चार से पाँच घंटे आपको लगते हैं? हाँ जी, इसकी सारी मुकम्मल तैयारी के लिए। अच्छा, ये क्रिस्पी आप बीच में रखते जा रहे हैं? हाँ, साइड पे निकालेंगे ना, कोई इससे पसंद करते हैं ऊपर डाल के देंगे। हाँ, तो ये क्रिस्पी का ज़्यादा एक मज़ा है। हाँ जी। अच्छा, अभी ये आप देख सकते हैं नाज़िम कि ये शानदार कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया। हाँ, इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो गया और माशाल्लाह बड़ा ही, कल से रोज़े शुरू हो जाने हैं। आप अंदाज़ा करें कि जो रोज़ों के दिन हैं, अभी भी हमारी मसीही बरादरी के भी रोज़े चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं। और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी जो भाई हैं उनके भी रोज़े शुरू हैं बस। तो ये है कि कल परसों से जो रोज़े शुरू हैं वो उसका आगाज़ होगा, तो कट्ठे भी रोज़े जो 10 रोज़े हैं क्रिश्चियन मसीही बरादरी के वो भी साथ ही होंगे। तो ये है कि शाम को भाई साहब बैठेंगे, शाम को आएंगे रोज़ों में? नहीं, रोज़ों में बंद कर देंगे। रोज़ों में आप? हाँ। रोज़ों में कोई काम नहीं करेंगे? ना, ना। तो कैसे रोज़ों में अपना वक्त गुजारेंगे? रोज़ों के जब रोज़े स्टार्ट होगा तो मैं मोबाइल एक्सेसरीज का काम करूँगा। अच्छा, तो ये पीछे जो प्लाजा है नया जो बना है, इस पर आपकी दुकान थी? हाँ जी। तो ये कब आपने ये टिक्कियों का काम किया? ये तकरीबन 5 महीने हो गए टिक्कियों का काम कर रहा हूँ जी, क्योंकि वो काम और दुकान की वजह से मैंने बंद किया हुआ था और ये मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये भी अच्छा काम है। अच्छा, हाँ जी। तो ये आप देख सकते हैं कि हार रोड की क्रिस्पी आलू वाली टिक्की और बड़े ही मज़ेदार रायते के साथ, रायता भी उन्होंने बना लिया है या अभी? नहीं नहीं, रायता बना हुआ है। रायता बना हुआ है और उसमें वो अभी दही और हरी मिर्च जो मुकम्मल रायता तैयार है। हाँ, मुकम्मल रायता उन्होंने आपको दिखा दिया है कि तैयार है और उसके साथ ये क्रिस्पी जो आलू वाली टिक्की है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि हार रोड पर अब आमद रफ्त का वक्त शुरू होते जा रहा है, तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि आलू की क्रिस्पी टिक्की तैयार हो गई। उन्होंने अपना रंग भी उसका बड़ा खूबसूरत और प्यारा निकला है और अब दूसरे पूर की तरफ हो जाएंगे और आगे मिलेंगे फिर आपको अगली वीडियो में। सलीम शमशाद को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।